वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्रोशा का एक पैटर्न देखेंगे। ये इस तरह का ये पैटर्न है। इस पैटर्न से आप बैग बना सकते हैं, तोरण बना सकते हैं, बेबी फ्रॉक बना सकते हैं, कॉटन बना सकते हैं। किसी बॉर्डर के लिए भी आप ये डिज़ाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, जल्दी होने वाली है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सबको थैंक्स कहूँगी, मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको क्लिक कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज है। अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगी। तो शुरू करते हैं हम इस तरह का ये डिज़ाइन बनाने के लिए। ये बेबी फ्रॉक के लिए बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आगे आगे चलकर हम देखेंगे, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, सभी डिज़ाइंस को लेकर हम नए नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो आप देखते रहिए। तो आप शुरू करते हैं। ये जो है इस तरह हमने ये सुई को लेकर धागा थोड़ा बड़ा करना है, उसको लूज रखना है ये डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह हम उंगली में पकड़कर इसे पकड़ कर रखना है, ये इस तरह लेना है। ये जो पकड़ा हुआ धागा जो है उसके अंदर से हमने सुई को डालना है और धागे को खींच कर लेना है। ये दो धागे हो गए हमारे सुई पे, दो के एक करने हैं हमें। इस तरह हमने एक किया, अब फिर भी उसी तरह हम करेंगे, वापस धागे को खींच लेना है इस तरह, फिर यहाँ पे पकड़ कर रखना है हमें। फिर हमें धागा अंदर लिया है खींच कर, और ये जो पकड़ा हुआ धागा है उसके अंदर से हम सुई निकाल कर इसे खींच कर, दो धागे हो गए हमारे सुई पे, ये दो धागे का एक टाका बनाना है हमें इस तरह। ये इस तरह का ये डिज़ाइन हो जाएगा। अब ये जो बना हुआ है उसे हम लेकर ये जो अगला टाका है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, सुई को अंदर डालेंगे इस तरह, फिर धागे को खींच लेंगे। वापस हमें दो धागे हो गए, दो के हमने एक करना है। देखिए इस तरह ये पैटर्न बन जाता है। फिर से मैं बताऊंगी, ये धागे को हमने खींच कर लेना है, यहाँ पे उंगली के सहाय से, उंगली और अंगूठे के सहाय से इसे पकड़ कर रखना है, थोड़ा टाइट पकड़ कर रखना है। सुई को आगे लेना है, धागे को खींचना है, फिर इस तरह एक टाका लेना है। एक टाका लेने के बाद में जो हमने हाथ से पकड़ा हुआ था धागा उसके अंदर से सुई को डालकर हमने ये इस तरह दो बनाया। ये दो बनने के बाद में उसे और दो के एक टाका करना है। अब हमने यही प्रोसेस फिर से करनी है। देखिए सुई को खींचना है, खींचने के बाद में इस यहाँ पे पकड़ कर रखना है, जोर से प्रेशर देके, फिर सुई को अंदर लेना है। यहाँ पे जो पकड़ा हुआ धागा है उसके अंदर से सुई को निकाल कर इस तरह दो करने हैं। अब दो के हो गए एक, इस तरह ये जो बन गया, देखिए मैंने पहले भी बताया था यहाँ पे। अब इसको हमने यहाँ पे नहीं अटैच करना है, उसका जो आगे का है टाका उसके अंदर से डालकर हमें सुई को अंदर से लेकर
यहाँ पे दो के एक करने हैं, इस तरह ये हो जाएगा। तो हमने शुरू करने के लिए कैसा किया है, हमने चेन डाली है, चेन के बाद में हमने इसी तरह दो स्टिचेस बनाए हैं, और ये दो तीसरा वाला हमने जो अंदर इंसर्ट किया है उसके लिए हमने यहाँ पे तीन चेन छोड़कर चौथे चेन में डालकर उसको इंसर्ट किया है। तो इस तरह ये हमारा शुरुआत हो जाता है, चेन डाली है, तीन चेन छोड़ने के बाद में ये हमने जो दो स्टिचेस बनाए हैं वो स्टिचेस को तीन चेन छोड़कर चौथे चेन में डालकर उसको हमने अटैच किया है। फिर से हमने उसी तरह दो स्टिचेस डाले हैं, फिर तीन चेन के बाद में इसको अटैच किया है। देखिए उसी तरह हमारा फर्स्ट रो हो जाता है। तो सेकेंड रो के लिए हमने यहाँ पे इस तरह करना है। जो सेकेंड रो के लिए हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने अटैच किया है, उसी तरह यहाँ पे अटैच करना है धागे को लेकर, जैसे हमने बताया यहाँ पे, ठीक वैसे ही करना है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो इस तरह ये हमारा डिज़ाइन दिखता है। देखिए यहाँ पे हमने सुई को लिया है, धागे को खींच कर लिया है, उसे अंदर की तरफ से लिया है, धागे को यहाँ पे पकड़ कर रखा है, ये उसी पकड़े हुए धागे के अंदर से हमने सुई डाली है और ये धागा खींच कर लिया है। फिर जो दो टाँके हो जाते हैं सुई पे उसको हम एक करते हैं, फिर से यही प्रोसेस फिर से करना है। दो दो बार प्रोसेस करनी पड़ती है। देखिए दूसरी बार फिर से वैसे ही करना है, ये टाँके को लिया है अंदर से, दो हो गए टाँके, अब दो के एक हो गए। अब इसे अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा याद कर रखना, यहाँ पे बगल वाले में नहीं अटैच करना है, उसके आगे का जो टाँका है उसके अंदर से सुई को डालना है इस तरह, और खींच कर लेना है, फिर एक दो के एक टाँका बनाना है। सुई को खींच के लिया, अंदर से एक सुई डाली, दो के एक किए, फिर से वैसे ही किया, धागे को खींच लिया, अंदर से सुई डाली और दो के एक किए, फिर यहाँ पे अंदर से सुई डाली, दो के एक किए और ये टाँके को अटैच किया। अब हम वर्क टर्न करने के लिए कैसे करते देखते हैं। वर्क टर्न करने के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है, वैसे ही करना है, हमें दो टाके दो स्टिचेस डालने हैं, ये एक हो गई हमारी, फिर ये सेकेंड वाली हो गई, और उसको बाद में टर्न करके हमें जो ये टाका जो है उसके अंदर से डालना है और अटैच करना है, तो ये इस तरह आ जाएगा। देखिए इस तरह आ जाएगा। सो व्यूअर्स, आपको कैसा लगा ये पैटर्न, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
हैव अ नाइस टाइम, बाय, सी यू।